अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुम्बुल्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल से आपको मालूम हो ही गया होगा कि आज क्या बन रहा है। तो मैं बनाने लगी हूँ मटन निहारी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन निहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ के जी के करीब मटन ले लिया है। आप बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। स्पाइसेस में 1.5 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, नमक हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सूंठ, ड्राई जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये मैंने हाँ होम मेड 2 टेबल स्पून के करीब मसाला लिया है निहारी का। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी देखना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर दूंगी। 1 लार्ज साइज़ की प्याज काट ली है, उसको ले लिया है मैंने। 1 फुल कप घी लिया, आप तेल भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। धनिया पत्ते कुछ ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अदरक के स्लाइसेस ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्चें ले ली हैं 2-3 कटी हुई गार्निशिंग के लिए। और 1 फुल कप दही लिए। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें निहारी बनाने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डालना है, तो तेल डाल लेते हैं। ये मैं हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ मैं बाद में डालूँगी, मैं आपको बताऊँगी कब डालना है। इसको डाल के थोड़ा तेल गर्म होने देते हैं। घी को, घी यहाँ पर तकरीबन गरम हो गया है। अब मैं इसमें प्याज जो हमने काट के रखी थी वो सारी ऐड कर लेंगे इस घी के अंदर। सारी प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे घी में और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना, गोल्डन ब्राउन करके प्याज को चलाएँ चम्मच से घी के अंदर। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक ऐड करने से प्याज बहुत क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बहुत जल्दी हो जाती है और क्रिस्पी भी होती हैं। अब ये देखें यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है प्याज गोल्डन ब्राउन होने में वक्त लेती है थोड़ा सा, बट नमक डालने से बहुत क्रिस्पी और बहुत जल्दी ब्राउन होती है। थोड़ा सा प्याज ब्राउन करते वक्त नमक ऐड कर दिया करें आप लोग भी। गोल्डन ब्राउन हो रही है ये, अभी बहुत अच्छी फ्राई हो रही है प्याज और घी में। ये देखें यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी घी के अंदर से, जो हमने घी डाला था उसमें से हम ये प्याज को निकाल लेंगे। अब सारी प्याज को निकाल के अलग रख देंगे। अब देखें यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन हुई है ये। अब बाकी के घी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने घी में भून लेना है अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है लहसुन अदरक के पेस्ट की जब वो भुन रहा हो तो। अब हम ये भुन गया है, अब इसमें हमने तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। एक एक करके हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे और मसाले को भून लेंगे। तमाम मसाले जो हमने निकाल के रखे थे रेडी करके, तमाम मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मिर्ची और नमक जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ मिर्ची खाना चाहते हैं तो आप रेड चिल्ली पाउडर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कलर और डार्क रखना चाहते हैं निहारी का तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से तमाम मसाले को भून लेंगे। अब उसमें हम डाल देंगे दही। ये दही मैंने पहले से फेंट के रखी थी। कुछ लोगों की दही सालन में मसाले में ऐड होकर फट जाती है, उसका रीज़न ये है कि वो फेंटते नहीं हैं। मैंने ये पहले से फेंट के रखी थी, देखें कितनी अच्छी मिक्स हो गई है मसाले के अंदर। तो जब भी दही को सालन में ऐड करें तो उसको पहले से अच्छी तरह फेंट लें। ये जो प्याज मैंने निकाली थी इसको मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। इस प्याज को भी अब ऐड कर देंगे।
और तमाम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून निहारी का होममेड निहारी मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने घर में ही तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी देखना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 2 टू 3 टेबल स्पून मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऐड किया है निहारी का मसाला और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये डालते ही बहुत अच्छी निहारी की स्मेल आने लगी थी। निहारी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको गोश्त भून लेंगे अलग सी प्रेशर कुकर ले लेंगे अलग से। इसमें हम घी प्रेशर कुकर ले लिया, अब इसमें बाकी का घी हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम घी हमने इसमें ऐड कर दिया प्रेशर कुकर में और अब हम इसमें डाल देंगे मटन। गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेंगे अब डाल के। इसका कलर चेंज करेंगे। बेसिकली इसमें गोश्त भूनने का मकसद ये है कि इसका रंग चेंज हो जाए। तो हमने जो मसाला रेडी किया है वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। 5 से 6 मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे गोश्त को प्रेशर कुकर में। मुझे यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा है। मसाले में भी हमने बहुत घी डाला है काफ़ी, तो हमने 1 बड़ा चमचा मैंने घी का और ऐड करा है। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने घी और ऐड करा है इसके अंदर। घी ऐड कर दिया है, अब हम इसको गोश्त को अच्छे से घी में और फ्राई करेंगे। और ये फ्राई हो रहे हैं गोश्त अच्छे से घी के अंदर। अब हम इसमें तमाम मसाला जो हमने बना के रखा था निहारी का ये इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ गोश्त को भून लेंगे। ये सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसको गोश्त को भून लेंगे अच्छी तरह मसाले के साथ। गोश्त को हमने 5 मिनट मज़ीद भूनना है ताकि अच्छे से गोश्त में मसाला लग जाए। ये देखें कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। ये देखें अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पर 7 to 5 ग्लास मैंने पानी लिया है। 7 to 5 ग्लास पानी लें जितने आप रखना चाहते हैं निहारी लिक्विड, उतना मैंने पानी ले लिया और उतने में ही गोश्त गलेगा और मैं आपको बताऊंगी। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब मैं इसकी लगाऊंगी लीड। इसका प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। मुझसे ये बंद नहीं हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली। ये अब बंद कर दिया मैंने। अब हम इसकी इसकी विसल लगा देंगे। और रख देंगे आधे घंटे के लिए इसको पकाते रहेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लीड हटा के देख लेते हैं। कम्प्लीटली आधा घंटा हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर माई वुडन स्पून, बहुत जल्दी जल जाते हैं।
तो ये अभी कम्प्लीटली तैयार नहीं हुआ है, गोश बिल्कुल गल गया है। अब इसमें ऐड करना बाकी है आटा। तो मैंने 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून आटा लिया है, रेगुलर घर का आटा जो होता है। इसमें पानी ऐड करके इसका घोल एक तैयार कर लेंगे। मिक्स करेंगे पानी को आटे में। ये मिक्स हो चुका है और अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स बाकी ना रह जाए। आटा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। पहले थोड़ा ऐड करेंगे, फिर चम्मच चलाएंगे, फिर थोड़ा ऐड करेंगे, फिर चम्मच चलाएंगे। इसी तरह हमने 3 से 4 बारी में इसको ऐड कर लेना है चम्मच चलाते चलाते। ये ऐड कर दिया हमने सारा, अब इसको हम चम्मच से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया है, गरम मसाला मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। और अभी हमने रख देना है इसको स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। हमने इसको ढक दिया है। लीजिए फ्रेंड्स, निहारी कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। हम इसको निकाल लेते हैं अब। लीजिए फ्रेंड्स, निहारी तैयार है, मटन निहारी। बहुत इजी वे में मैंने आपको बनाना सिखाई है। अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट करना तो जल्दी से जाएं बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी। मैंने तो तैयार कर ली है मटन निहारी, कौन कौन आ रहा है इसको टेस्ट करने। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत गर्मा गर्म ये रेडी हो चुकी है। आई एम श्योर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्वीट्स फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की वीडियो आप तक वक्त पे पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।